नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ निजी चैनलों का ओपिनियन पोल सामने आया है। इसमें कुछ हद तक संकेत मिले हैं कि बिहार में फिर से किसकी सरकार आएगी। वही ओपिनियन पोल में बीजेपी बाहुबली बनकर उभर रही है। बिहार में चुनावी मैदान सज गया है। टिकट बंटवारे के बाद नेता मैदान में उतरने लगे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आज यानी मंगलवार से तेजस्वी यादव मैदान में उतर रहे हैं। बिहार में मुकाबला नीतीश वर्सेज तेजस्वी हो गया है। इस बीच ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में फिर से किसकी सरकार आ रही है। बात करें तो सी वोटर्स ने ये सर्वे 1 से 10 अक्टूबर के बीच किया है। इसमें कुल 12,843 लोगों की राय ली गई है। सर्वे फोन पर बात कर किया गया है। सी वोटर्स ने इसके लिए बिहार के सभी 243 सीटों के लोगों की राय जानी है। आखिर वह बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, साथ ही उनके सामने मुद्दे क्या है। सभी सवालों पर बिहार के लोगों ने अपनी बेबागी से जवाब दिया है। अनुमान के अनुसार रुझान एनडीए गठबंधन की तरफ ही है। वहीं बिहार के लोगों से जब इस सर्वे के बारे में पूछा गया कि आज आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है, जवाब में 49% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी को बताया था। वहीं 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है, जबकि भ्रष्टाचार सिर्फ 8.7% लोगों के लिए ही मुद्दा था। 7.1% लोगों के महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। बिहार के लोगों से जब पूछा गया कि जेडीयू और बीजेपी सरकार के प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं, जवाब में 43.6% लोगों ने खराब कहा, जबकि 29% लोगों ने अच्छा और 27.5% लोगों ने औसत कहा है। इसी तरह लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, इसके जवाब में 50.5% लोगों ने कहा कि अच्छा है, 28.6% लोगों ने खराब कहा और 20.9% लोगों ने औसत कहा है। वहीं जब पूछा गया कि नीतीश कुमार के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, 28.7% लोगों ने इसे अच्छा कहा है, 42% लोगों ने खराब कहा है, वहीं 29.2% लोगों ने औसत कहा है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन है पसंद, 32% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया। दूसरे नंबर पर 17.6% लोगों ने तेजस्वी को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी को चुना है। नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है, इस पर 54.5% लोगों ने कहा कि हाँ नाराज है और इसे बदलना चाहते हैं। 29.5% लोगों ने कहा कि नाराज है लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। वहीं 15.9% लोगों ने कहा कि ना वो नाराज हैं और ना ही बदलना चाहते हैं। वहीं निजी टीवी चैनल और सी वोटर्स के सर्वे के अनुमान के अनुसार बिहार में एनडीए को 160 सीटें मिल रही हैं, वहीं महागठबंधन को 102 सीटें, वहीं एलजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस सर्वे में यह साफ हो रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल और इसके प्रसारण पर चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर सुबह 7 बजे से 7 नवंबर शाम 6:30 तक के लिए रोक लगा दी। चुनाव आयोग द्वारा 3 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक चरण में संबंधित चुनाव क्षेत्रों में मतदान समाप्ति की 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और चुनाव से जुड़े सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाना प्रतिबंधित है। चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 52,000 से अधिक मतदाताओं ने डाक मतपत्र का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं में 80 साल से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह जानकारी दी। अब आपको बताते हैं पहले चरण के कुल 71 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1354 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। नामांकन खारिज होने और नाम वापसी के बाद 165 प्रत्याशी अब मैदान में हैं।
पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 28 प्रत्याशी हैं, जबकि बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली मंगलवार यानी आज 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें 11 विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। मसौढ़ी, पालीगंज, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, संदेश, अंगियाओं, जगदीशपुर, डुमराव और राजपुर शामिल हैं। मंगलवार को ही वर्चुअल रैली का दूसरा चरण शाम 4 बजे आरंभ होगा, जिसमें 4 जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें चिनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, ओबरा, नवी नगर, रफीगंज, शेरघाटी, बेलागंज, अतरी, झांझा और चकाई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव आज रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वो हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर के रोसड़ा में रैली होगी। वहीं बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर महागठबंधन में राजद कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक 94 सीटों में से 14 सीटें वामदलों को चली गई है। इनमें राजद और कांग्रेस की कुछ सीटें भी हैं। शेष सीटों में लगभग 60 सीटों पर राजद लड़ना चाहता है और 20 कांग्रेस को देना चाहता है, लेकिन कांग्रेस इस चरण में लगभग 25 सीटों पर लड़ना चाहती है। अब देखना यह है कि किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी हार। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।